स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है। बताते चलें, बेरोजगारी दर में सुधार और नौकरियों का अंतर महामारी पूर्व स्तर से कम होने के बावजूद 2024 में दुनिया भर में बेरोजगारी दर बढ़ने का अनुमान है। वैसे हाल में देखे गए भू राजनीतिक तनावों और सतत मुद्रा स्फीति के कारण केंद्रीय बैंकों ने आक्रामक कदम उठाए, जिससे ब्याज दरों में 1980 के दशक के बाद से सबसे तेज वृद्धि हुई है और इसका पर्याप्त वैश्विक प्रभाव देखा गया है। तथा चीन, ब्राजील और तुर्की जैसे देशों में मंदी का अनुभव हुआ, जिससे वैश्विक औद्योगिक गतिविधियां, निवेश और व्यापार नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। ध्यान रहे, आर्थिक मंदी के बावजूद 2023 में वैश्विक विकास अपेक्षा से अधिक मजबूत रहा और श्रम बाजारों ने अप्रत्याशित लचीलापन दिखाया है। दूसरी तरफ, रोजगार में हुई वृद्धि ने 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर और नौकरियों का अंतर महामारी पूर्व स्तर से कम करने में योगदान दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अधिकांश G20 देशों में वास्तविक मजदूरी दर में गिरावट आई, क्योंकि वे मुद्रा स्फीति के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे हैं। केवल चीन, रूस और मेक्सिको ने 2023 में सकारात्मक वास्तविक मजदूरी में वृद्धि का अनुभव किया। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले अधिकांश श्रमिकों की संख्या ने वैश्विक स्तर पर लगभग 10 लाख की वृद्धि दर्ज की है। दरअसल, रिपोर्ट गिरते जीवन स्तर, निम्न उत्पादकता और लगातार मुद्रा स्फीति के कारण असमानता के बारे में चिंता व्यक्त करती है। जबकि रिपोर्ट में 2024 में अनौपचारिक नौकरियों की हिस्सेदारी में गिरावट की उम्मीद है। कई नौकरियों की निम्न गुणवत्ता के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संक्षिप्त परिचय करा दें। दरअसल, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत की गई थी। याद रहे, भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य था और 1922 से इसकी गवर्निंग बॉडी का स्थायी सदस्य रहा है। और भारत में पहला श्रम संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय 1928 में शुरू हुआ था। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप एचपी सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।